सरकारी जॉब है इनकी, कानून के हैं, कानून को समझते हो, पटवारी के ऊपर कानून को, ये इनकी जॉब है। लेकिन अब ये तहसीलदार भी बनने वाले हैं, मतलब बन ही चुके हैं, मैं परमेश्वर बना चुका है। इन्होंने अपने पेपर्स पर, फाइल्स पर मुझसे प्रार्थना करवाई है, आपको परमेश्वर तहसीलदार बना चुका है। अच्छा ओके, ये परमेश्वर का आदर है, खुदाबंद का आदर है, मेरा तो नहीं, परमेश्वर का आदर है। लाओ जी फूल, क्योंकि बड़ा काम किया खुदाबंद ने इनके जीवन में, बहुत बड़ी गवाही बनी। सबको पता है इनके गवाही के बारे में, जिन्हें अच्छे से नहीं पता आज हम फिर से बताएंगे। आमेन आमेन, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो अभी इनकी जो गवाही है के कौन बताएगा, टीम खुद बताओगे, दो इनको माइक, इधर खुदा के लोगों कलीसिया की ओर देखकर बात करो, कलीसिया की ओर। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी कलीसिया नु भी मेरे वालों जय मसीह दी, जय मसीह की। मैं 5 तारीख नु नायब तहसीलदार मजीठे अपॉइंट होया, 6 नु मैं ज्वाइन कीता मजीठे, ते आज मैं नायब तहसीलदार मजीठे आ। जबकि मैं 1 साल पहलों तहसीलदार लगना सी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत अफसर मगर गेड़े मारे, कित कोई गल ना बनी। पर अज तो 25 दसंबर तो कुछ देर बाद पापा जी ने फिर मैं दोबारा संपर्क किया, पापा जी कहते तुम आ जाओ, आप मैं तुम्हें ऑर्डर दिना। उस दिन शाम को अं पापा जी को घर गए, बंदगी हुई 2 घंटे, उस दिन प्रेयर कराई, तो 5 तरीक न मेरे ऑर्डर हो गए। मैं तकरीबन 4 साल तो कैंसर का पेशेंट सी, वो भी मेरी सारी कैंसर की प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई। मैं आज बिल्कुल कोई दवाई नहीं खाता, बिल्कुल मैं दुरुस्त सही है, कोई मेडिसिन। सुनो इनकी मैंने प्रोफेसी की थी, प्रोफेसी दिखाना वो। और ये भाई साहब जॉब भी कौन सी करते हैं, सरकारी जॉब है इनकी, कानून के हैं, कानून को समझते हो, पटवारी के ऊपर कानून को, ये इनकी जॉब है। लेकिन अब ये तहसीलदार भी बनने वाले हैं, मतलब बन ही चुके हैं, मैं परमेश्वर बना चुका है। इन्होंने अपने पेपर्स पर, फाइल्स पर मुझसे प्रार्थना करवाई है। शायद कितने पेपर रह गए और आपके? 8 पेपर होते जी, जिससे 3 पहले हो चुके फरवरी पिछले साल, 8 तारीख से फरवरी से शुरू हुआ, जो बाकी रह गए हैं 5 रहते जी, 5 रह गए। 3 में आप पास हो? हाँ, 3 में पास, तो 5 में भी हो चुके हो, बेफिक्र हो, आपको परमेश्वर तहसीलदार बना चुका है। ये प्रोफेसी है इनकी जो आपने सुनी है, क्योंकि ये नॉर्मल पोस्ट नहीं है, नॉर्मल पोस्ट नहीं है तहसीलदार बनना, बड़ी पोस्ट है। और इस भाई को प्रोस्टेट कैंसर भी था, ठीक है, लेकिन ये कितने साल पहले आए थे आप प्रभु में? 4 साल पहले प्रभु में आए, इसी बीमारी की वजह से, प्रोस्टेट कैंसर जो इनकी बॉडी में, उसकी वजह से। लेकिन तब जब ये शुरू में आए तो इन्हें मन शुरू शुरू में लगता है, लोगों का, कई लोगों का लगता है ना, शुरू शुरू में ध्यान ज़्यादा होता है, इनका भी बन गया। जब इनका मन बन गया तो परमेश्वर की दया हुई, ये हमारी मनुष्य में नहीं आते थे, किसी और चर्च में जाते थे, इनकी रिपोर्ट अच्छी आई, नॉर्मली आई, कैंसर काफ़ी ख़त्म हो गया, मन लगभग खत्म ही हो गया। लेकिन इनका मन तो प्रभु के साथ था, ये किसी वजह से, जैसे आप समझ सकते हो ना, दुष्ट भी काम करता है, हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमारी बुद्धि में कई गलत विचार, जैसे धर्म, जाति, ये चीज़ें बीच में आ गई, जिसे ये चल नहीं पाया भाई। और फिर शैतान ने उस बीमारी को इतना बढ़ा दिया, फिर मैंने भाई को शिक्षा दी, इसका मन खुला, फिर से ये प्रभु में चलने लगा, फिर वो कैंसर कम होने लगी, कम होने लगी।
इतनी दर्द होती है ना यहाँ प्रोस्टेट में जहाँ बाथरूम बनता है, और बाथरूम आने में जैसे होता है जैसे सुइयां ऐसे छुरे मार दिए, इतनी खतरनाक दर्द होती है। दवाई से भी मेडिसिन से भी नहीं रुकती थी। एक समय इन्हें लग रहा था कि ये प्रभु में नहीं आएंगे, छोड़ दिया है, लेकिन मैंने कहा मिलाना मुझे, देखना मेरी शिक्षा से, क्योंकि नए लोगों की और शिक्षा होती है जो यहाँ ऑनलाइन हम नहीं देते। वैसे मैं कोशिश करूँगा बीच बीच के पार्ट बनाकर उन्हें यूट्यूब पर सेंड कर दूँ, ताकि आप लोग अपने रिश्तेदारों को सेंड करो, एक बार सुनो, एक बार सुनो, आप बोलना, वो शिक्षा डालूंगा मैं। जब इन्होंने सुनी इनका जीवन बच गया। आज देखो वो कैंसर जो इन्हें खत्म करने वाली थी वो भाग ही गई है, और ऊपर से ब्लेसिंग भी आ गई, तहसीलदार बन गए। सचो ये है बड़ी बरकत। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। ऐसा है इतनी बड़ी खुशी है तो मुंह तो मैंने मीठा किया अकेले ने नहीं, आप सबका करवाएंगे। ये तहसीलदार है, इतने लड्डू लेकर आए, आप सबके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अभी जब मीटिंग में प्रे के बाद आपको सबको ये लड्डू खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, ठीक है। तो अभी परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं, बने रहना। अच्छा कहते दो मिनट नचो, साढ़े नाल ही ढोल लेके आए जी, चलो आज नच लेंगे फिर, चलो चलो, जिसका दिल करता है नाचो भाई परमेश्वर के लिए। बस भाई हमने नाचा, खुशी मनाई बड़ी, और ये खुशी आप पर भी आ रही है। आपके बच्चे भी बड़े बड़े अफसर बनेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।